अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अंदर ब्लॉग, वेलकम बैक टू चैनल। तो यार इतनी दबाव के बारिश हुई है ना है, तो आज ये देखें कि अंदर तक पानी आ गया, बहुत बारिश हुई है। तो अभी हमने ये करना है कि हम ना इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं केज को, और नीचे थोड़ी ईंट की ना एक लेयर लगा देते ताकि पानी अंदर ना आए। बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ गया है। तो इनको मैं ज़रा खाना दे दूँ इधर कोने पर, इधर देता हूँ, ये लो ये खाना खा रहे हैं। चलाएं यार इसको ना, अब खोलना स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। तो यार ये देखें कितना पानी ज़्यादा अंदर आया हुआ है, फुल कीचड़ बन गया। तो यार ये अब ऊपर सामने ना सारी के सारे गमले इधर रख दिए, और नीचे बस अब एक ईंट की लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर भूसा फैला देंगे। अभी अंदर वनडे पे भी बैठी हुई है, निकली नहीं अभी तक बाहर। ये देखें दो अंडे ये पड़े हुए हैं, दो ये पड़े हुए हैं। तो यह सारे कितना ज़्यादा पानी नीचे आया हुआ है, ये सारा साइड पे गया। तो यार हमारी ना एक मादी गुम गई है, ब्लैक वाली, इसके ऊपर ममटी भी देखते हैं, ममटी पे शायद बैठी हुई हो। मेल तो इधर ही है, वो यही का पड़ा हुआ है, ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, वो किसी चीज़ का बच्चा है जी। यहाँ पे रखते हैं, फिर पिद्दी ने घोंसला बना लिया यहीं कहीं पे। वो ये यहाँ कहीं पिद्दी ने घोंसला बनाया हुआ है मुझे लगता है। ये इसके अंदर लगता है बनाया हुआ है। तो यार हमारी ना एक मादी उड़ गई है, पता नहीं क्या हुआ होगा उसके साथ। मैंने भी देखा वो थी नहीं रहा, कल मैंने उसको खाना अपने हाथों से दिया है, तभी तक है ही नहीं। किसम चली गई यार, खाना दे रहे हैं बकरों को। यार मुझे ना मादी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, ब्लैक वाली मादी लगता है, या तो किसी शिकरे ने फिर हमला किया उसको, पे पीछे लग गई होगी, भाग गई होगी आगे पीछे, मुझे यहाँ पे नज़र ही नहीं आ रही। सुबह सवेरे यार ये सरप्राइज़ मिला है, ये देखें ये शिकरा ये गया, इसी ने ना हमारे भगा दिए कबूतर। अब मैंने इनके लिए खुला माहौल रखा हुआ था, खुद ही आ जाए करें बाहर, आइंदा सकूँ यार बंद ही रखूँगा। चलें यार वो एक्सटेंड करते हैं अपना, और इनको एक दफ़ा देख लें इसके नीचे अंदर बैठी हुई है कोई मादी या नहीं। ये देखें कि घोंसला बनाया हुआ अंदर, कह रहा था यहाँ पे एक पिद्दी है जो आ रही बार बार, इसने अंदर ही कहीं ना अंडे भी दिए होंगे, बच्चे भी दिए होंगे, और एक बच्चा इसका ये बाहर मरा हुआ है। ये देखें ये पता नहीं ये यहाँ पर कैसे आया होगा, मैं इसको नहीं छोड़ता, खुद ही ना वन उठा के फेंक देगी, मैं इसको नहीं छोड़ता, चलाएं नीचे चलते हैं।
तो ये सारे के सारे एंटेना साइड पे कर दिए हैं। अब इसको एक्सटेंड करेंगे मज़ीद, सारी सफाई होगी नीचे से। अच्छा यार, ये सारे के सारे पीस लोहे के लगा लिए हैं। ये बीच में एज अ बीम यूज़ हो रही है, कोने से भी एक सपोर्ट दे दी हमने और ये भी एक सपोर्ट मिल गई है। एक ये पीस पड़ा हुआ था, ये भी हमने इसमें यूटिलाइज़ कर लिया है। ओवरऑल बड़ा प्यारा बने भी, ऊपर बाकी छत डालनी है और जो नीचे है इधर हम पेटियाँ वगैरह लगा देंगे। तकरीबन चार आ जाएंगी, चार पेटियाँ इधर, चार इस तरफ आ जाएंगी। चलिए मज़ीद दिखाता हूँ आपको, ये देखिए नीचे से कैसा लग रहा है। ओवरऑल देखे कैसा लग रहा है। अब चले इसको ना बाकी कंप्लीट करके फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ। यार मैं ना मम्मी पे दोबारा चढ़ूँ, फिर कुछ ईंटें कम पड़ गई हैं, तो ये ली जितनी ईंटें ना हैं ये सारी सारी नीचे पहुँचा रहा हूँ मैं। ये रख दी हैं तो कुछ ये पड़ी हैं, एक ये कर देते हैं, एक ये ली, ये क्या अंडे पड़े हुए नीचे इधर। ये स्पीदी ने घोंसला भी बनाया और अंडे दे दिए यहाँ पे। यार ये तो ख़राब हो जाएंगे वरना यहाँ पड़े पड़े, क्या करें यार इसका। मैं ऐसा करता हूँ इनको ना थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे देता हूँ, इसको ना चले इसको नहीं छेड़ता यूँ करके, और इसको ना यूँ थोड़ा शेड़ दे देता हूँ। इन दो ईंटों को नहीं छेड़ता, ये वही वाइट और ज़ेबरा तरह की फिंच नहीं है उसने अंडे दिए हुए हैं। चलें ठीक है यार, बाकी ईंटें मैं हटाता हूँ। अच्छा यार, सारी की सारा ऊपर छत डाल दी है और अंदर कबूतरों को भी छोड़ दिया है, खाना वगैरह मैंने फेंका है और वो दो अंडे भी डाल दिए मैंने इस ब्राउन वाली कबूतरी के। और भी इधर बस पेटियां डालेंगे, हमारा काम आधे ज़्यादा हो गया और लगता है ये एंजॉय कर रहे हैं अपने इस वाले घर को। ये देखें यार आज बहुत थक गया। बाकी अपडेट नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, फिर अगले ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।